नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं कि दादरा नगर हवेली के लोकसभा उपचुनाव को लेकर तमाम जगहों पर हलचल मची हुई है और तमाम जो राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में अपने अपने जो किरदार जो निभाएंगे इस वक्त जो सांसद चुनाव में जो अपना अपना पर्चा भरेंगे इसकी तैयारी में जोरों से लग चुके हैं। ऐसे में सिलवासा न्यूज लाइन तमाम जगहों पर जो हो रही हलचल है उसको आप तक बताने के लिए लगातार जुड़ी हुई है और तमाम चीजों पर मैंने पहले भी कहा कि उपचुनाव को लेकर जिस तरह का भी अपडेट हमें मिलेगा उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रभु टोकिया का नाम सामने आ रहा है जो जल्द ही अपना नामांकन भरने की तैयारी में लग चुके हैं। इस वक्त प्रदेश में जो हालत बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि किस पार्टी से अभिनव उंडेलकर चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी में कौन अपना दावेदारी पेश करेगा। ऐसे में तमाम जगहों पर तमाम लोगों का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अगर हम बात करेंगे दादरा नगर हवेली में भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो लगभग जिस तरह का माहौल वातावरण तमाम दिनों में फैला हुआ था कि कौन किस पार्टी में जुड़ रहा है, कोई नए लोगों की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे में मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम तक जो खबरें अभी तक पहुंच रही है लगभग ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से नटू पटेल जी का नाम सामने आ रहा है, जो भी सुनने में मिल रहा है कि इनका नाम जल्द ही भारतीय जनता पार्टी जो है आला कमान जो है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठी हुई वो लोग जल्द ही नट्टू पटेल का नाम सामने लाएंगे। हालांकि इस बारे में अभी तक पार्टी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। ऐसे में अगर बात किया जाएगा डेलकर परिवार का, तो डेलकर परिवार से जो नाम हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि अभिनव डेलकर एक युवा नेता के तौर पर दादरा नगर हवेली में उभर सकते हैं और तमाम जगहों पर जो नाम हमारे बीच आ रहा है वो यही है कि डेलकर परिवार से अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो वो है अभिनव डेलकर। ऐसे में अगर हम बात करेंगे तो अभिनव डेलकर के लिए भी यही बातें तमाम जगहों पर सामने आ रही कि किस पार्टी से लड़ेंगे, किस जगह से लड़ेंगे, लेकिन अगर हमारी बात करें, हमारे जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो ये है कि डेलकर परिवार से जो अभिनव डेलकर चुनाव लड़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है वो दादरा नगर हवेली से जो नाम अभी हमारे बीच आ रही है, जो हमारे महाराष्ट्र के सूत्रों से जो बात हो रही है उसमें यही बात सामने आ रही है कि अभिनव डेलकर जो हैं वो एनसीपी पार्टी से यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी की पार्टी से लड़ सकते हैं और या तो फिर शिवसेना से, क्योंकि जो बातें हमारे बीच आ रही है वो उनके सूत्रों से उनके शुभचिंतकों से यही बात हमारे सामने आ रही है कि हो सकता है अभिनव डेलकर इन्हीं पार्टी से नाम बने। हालांकि इस बारे में उनके परिवार द्वारा अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं वो सिर्फ एक अनुमान के तौर पर ये दिखाया जा रहा है। इसी तरह लगातार उपचुनाव से जुड़े हुए तमाम खबरों को जानने के लिए सिलवासा न्यूज लाइन पर आप लोग बने रहे और जो भी व्यक्ति इस वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह चैनल से बने रहे। साथ ही इस बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि लगातार जो भी खबरें हम तक पहुंचेगी उसे सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन, सिलवासा।